सामने के अध्यक्ष विक्रता जी, खेल मंत्री अशोक चावला जी, आपके लोकप्रिय विधायक मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल नागर जी, सेक्रेटरी नरेश चक्रा जी, अंतिका शुक्ला जी जिला कलेक्टर, रवि चौधरी जी प्रधान साहब, विकास नागर जी अध्यक्ष कृषि मंडी, श्रीमती कमलेश देवी सभापति नगर परिषद दुदू, किशन राजेश जी ब्लॉक अध्यक्ष, श्रीरामी कुड़िया ब्लॉक अध्यक्ष और रमेश दावाई जी, पूर्व प्रधान पावर सिंह जी, कैलाशचंद जी जाट साहब, ढाबला जी, श्रीमती गौरी देवी भाकर, श्रीराम जी उपाध्यक्ष, श्री राम जी चारम, मावी प्रसाद जी, सीताराम जी कुमार राठौर साहब और कैलाश चौधरी जी, जीते चौधरी जी, तमाम यहाँ उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो एक पहल करी गई थी पिछले साल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के नाम से और करीब 30 लाख पंजीकरण करवाए गए, महिलाओं ने भी, बुजुर्गों ने भी, नौजवानों ने, छात्रों ने, 10 लाख महिलाएं थी उसमें। इस प्रकार से हर गांव गांव में खेलों का माहौल बना। हम चाहते राजस्थान में खेल जगत में हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग आगे बढ़े, खेल का माहौल बने। हमने रजिस्टर उठाए हैं, मेरा अशोक चांदी ने कहा आपको आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रहे हैं, आरक्षण किया गया है नौकरी के अंदर, उनके वजीफा बढ़ाया गया है, अवार्ड जीत के आते हैं उनके लिए 3 करोड़ 2 करोड़ 1 रुपये के इनाम रखे गए हैं। प्रतिभा कमी नहीं राजस्थान के अंदर। आज मेरी खुशी है, इस बार जो शहरी में ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं उसमें 58,60,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया गांव का। पहली बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पहली बार राजस्थान के जो फैसले हैं, चाहे वो खेलों का मैंने बताया आपको, चाहे राइट टू हेल्थ का कानून बनाया हमने, चीज योजना का 25 लाख का बीमा किया आप लोगों के लिए, 10 लाख का दुर्घटना बीमा किया, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी बना दिया है, सबकी गारंटी दी गई नरेगा में, शहरी रोजगार योजना लागू की गई शहरों के अंदर, और किसानों की जमीनें गुरख नहीं हो उनका कानून बनाया गया। इस प्रकार से देश के बाद एक ऐसे फैसले किए गए हैं, गीत बर्गर का एज बना दिया हमने, ज्यादातर ड्राइवर सभी बॉय लगते हैं, काम करते हैं, नौजवान बड़ी पीढ़ी होगी उनकी, उन सब के लिए कानून बना दिया, किसानों के लिए अलग बजट पेश कर दिया राजस्थान के अंदर, युवाओं के लिए अलग सर्च एरिया बनाया बजट के अंदर, ऐतिहासिक बजट पेश किया, चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है, और तो और ओपीएस लागू करने कर्मचारियों के लिए ये बड़े क्रांतिकारी फैसला है। अब जो हमारे फैसले किए अनेकों फैसले जो बताए गए आलो कोर्ट में, इंग्लिश स्कूल और अध्यक्ष शिक्षा मंत्री थे तब चालू की गई, ये भी पूरा प्रयोग है देश के अंदर, चर्चा में आ गया। अनेकों फैसले ऐसे हैं कि पूरे देश के अंदर चर्चा में आए, पूरे देश के अंदर राजस्थान में शिक्षा में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय कृषि कॉलेज अनगिनत खोल दी हम लोगों ने, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सबको बना देगा, जो सेकेंडरी स्कूल थी उनको प्राइमरी मिडल पीएससी सीएचई सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोई कमी रखी नहीं, ना हेल्थ में ना शिक्षा में, घर घर नल पहुंच रहा है, जल जीवन मिशन लागू कर दिया, 10% पैसा ग्रामीणों ने इकट्ठा करना था जो भारत सरकार ने योजना थी उसके अंदर 45% स्टेट गवर्नमेंट 45% भारत सरकार,
90 और 10% देगी गांव वाले देंगे। हमने कहा वैसे हम लोग तकलीफ में महंगे के जमाना है, 500 रुपए में हमने गैस सिलेंडर कर दिया है, उनसे क्या 10% पैसे इकट्ठा करें। तो हमने कहा 10% पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से देगी, घर घर तक पहुंचेगा सब ठीक कर दिया। बिजली का उत्पादन हो रहा है, कुछ कोयले की कमी आती है, तो तकलीफ बीच में आई थी अगस्त के अंदर, अगस्त में बिजली का संकट आया था राजस्थान भर के अंदर, बिजली कटौती हुई थी, तकलीफ आई थी लोगों को, पर खाली राजस्थान नहीं थी, वो पूरे देश के विशेष उत्तर भारत के सब राज्यों में वो कटौती हुई थी, क्योंकि मानसून फेल हो गया, बरसात कम हुई सब राज्यों के अंदर अगस्त के अंदर, एक साथ मांग बढ़ गई बहुत ज्यादा हो गई थी और एक साथ संकट पैदा हुआ पूरे उत्तर भारत के अंदर। अब जाके वहां पर स्थिति ठीक हुई, कुछ संकट आ सकता आगे भी आ सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको जो मैं कहना चाहता हूं, सोशल सिक्योरिटी प्रधानमंत्री दे रहे 6,000 रुपए दे रहे हैं, 4-4 महीने में 1-2,000 रुपए देते हैं, किसान सम्मान निधि नाम से, आपको मालूम है वो 6,000 रुपए खुश कर रहे हैं लोगों को, हम देते 12,000 देते हैं, 1 करोड़ लोगों को जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, विधवा हैं, एकल नारी है, निःसंजन है, मिनिमम कम से कम 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 12,000 रहते साल भर के अंदर, किसानों को 2,000 यूनिट फ्री कर दिए हमने, उपभोक्ताओं के नाम पे वो फ्री करके 100 यूनिट फ्री कर दिए, इस प्रकार से महंगाई को लेकर राहुल गांधी की यात्रा में 4 बातें आई थी, महंगाई, बेरोजगारी, देश में शांति प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, जाति के नाम पे धर्म के नाम पे झगड़े नहीं होने चाहिए, और गरीब अमीर जो है उनके बीच खाली बढ़नी चाहिए। आप देखिए मिनिमम कम से कम 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 12,000 हो जाते हैं साल भर के अंदर, किसानों के 2,000 यूनिट फ्री कर दिए हमने, उपभोक्ताओं के नाम पे वो फ्री करके 100 यूनिट फ्री कर दिए, इस प्रकार से महंगाई को लेकर जो राहुल गांधी की यात्रा में 4 बातें आई थी, महंगाई, बेरोजगारी, देश में शांति प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, जाति के नाम पे धर्म के नाम पे झगड़े नहीं होने चाहिए, और गरीब अमीर जो है उनके बिना खाई नहीं बढ़नी चाहिए। आप देखेंगे हमारा बजट जो पेश किया मैंने, वो चारों बातों को सोच में रख करके फिर बजट पेश किया गया है, इसलिए हम गरीबों के लिए भी ध्यान रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आते हैं इंडस्ट्री वाले आते हैं उनके छूट देते हैं हम लोग, आप आगे निवेश करो, बच्चों को नौजवानों को नौकरी मिले, यहाँ पर 10,00,000 करोड़ के MOU साइन करवाए हम लोगों ने, मैं जानता हूँ सब नहीं आने वाले हैं, कहने का मतलब कि हमने जो नवाचार किया है उसके कारण से आज राजस्थान पहली बार आज़ादी के बाद में, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, बचपन से ही NSU में था तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में राजस्थान दिल्ली में अन्य राज्यों में चर्चा में कम आता है, राजस्थान का मतलब सूखा है, अकाल है, रेगिस्तान है, लोग तकलीफ में रहते हैं, पानी की कमी है, पानी पीने का नहीं है, खारा पानी है, ये चर्चा होती थी पहले, अब वो कदम न उठाए हैं जिसके कारण से पूरे देश के अंदर, आप विश्वास करोगे पूरे देश के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, राज्यों के अंदर राजस्थान की चर्चा होने लग गई, चाहे ओलंपिक खेल हो, चाहे हमारी 25 लाख की बीमा स्कीम हो, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, भारत सरकार देती आयुष्मान भारत के नाम से 5 लाख का, वो भी सिर्फ 10 लाख लोगों को देती है, हम देते हैं पूरे देशवासियों को देना चाहिए, उनको दे नहीं रहे वो लोग, हम देते हैं राजस्थान में तमाम प्रदेशवासियों से, गरीब हो अमीर हो मध्यम क्लास के हो सबको जो है चिरंजीवी योजना, बहुत शानदार योजना है, 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं, आप कूल्हे बदला लो, आपके घुटने बदला लो, सब फ्री के अंदर,
सारे टेस्ट फ्री, MRI, CT स्कैन 10,000 रुपये लगते थे, वो फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री। हिंदुस्तान में कहीं हैं ये? अरे दुनिया के मुल्कों में मेरे ख्याल इक्के दिखे होंगे, मुश्किल होगा, कहीं नहीं दुनिया के अंदर। वो योजना हम लेके आए हैं, तारीफ पूरी देश भर में हो रही है उसकी, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं अखबारों के अंदर, दिल्ली के अंदर, सब जगह दुनिया भर के अंदर। और तो टाइम मैगजीन अमेरिका की, मैंने सुना परसों, 3 हमारी योजनाओं को टाइम मैगजीन स्थान दिया है, राजस्थान की योजनाओं को स्थिति है। अभी हमने फ्री कर दिया आपको, पहले 850 रुपये लेते थे कुछ लोगों से चिरंजीवी योजना के लिए, अभी हमने लघु व सीमांत कृषक के लिए फ्री कर दिया। NFSA के अंदर जो भी लोग हैं उनको फ्री कर दिया है, तो हमारी आर्थिक जनगणना वाले पात्र हैं उनको फ्री किया है, संविदा कर्मी जो है 1,00,000 लोग राजस्थान में उनको फ्री कर दिया गया है, और 8,00,000 प्रतिवर्ष की आय वाले लोग जो हैं सब परिवार उनको, निराश्रित को और डेस्टिट्यूट जो है असहाय परिवार जिनको कोविड के अंदर ने 32,00,000 लोगों को मैंने ढूंढ ढूंढ करके, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए राजस्थान के अंदर, ठेले वाले थे, रेवड़ी वाले थे, पट्टी वाले थे, ट्रेन पेशेंट सूर्यादय थे लोग, उन सबको ढूंढ ढूंढ के मैंने बैंक के खाते खुलवाए, और 5 बार मैंने 5,500 रुपये मेरे खाते में डाले थे, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और वो कामयाब रहा, कामयाब रहा, आप सबके सेवक से रहा, समाज ने खूब मदद करी, धर्मगुरुओं ने भी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी, समाजकर्ताओं ने भी, कोई कमी नहीं आने दी आप लोगों ने। इस रूप में जो काम हुआ उसके कारण राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया, अच्छा इलाज हुआ, ऑक्सीजन की कमी से किसी को मरने नहीं दिया। जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, अब बाकी भाषण में कहें तक कम है क्योंकि लंबी लिस्ट है मेरे पास, कि अब दूध में क्या क्या काम किए। अभी मुझे ये पकड़ा रहे थे स्लिप, मेरे पास भी लिखा हुआ है, 5 सरकारी कॉलेज वगैरह बोल गए आप, पर 2 बातें हैं। एक तो जिला बनना, अध्यक्ष जी ने ठीक कहा आपको, दूताशा जी ने, राजस्थान भर में चर्चा यही थी 50 जिले बनने जा रहे हैं, पर दूध जिला बनेगा नहीं बनेगा चर्चा थी। कोई विश्वास नहीं करता था कि दूध जिला बन सकता, कोई विश्वास नहीं करता था, कोई विश्वास नहीं करता था कि घोषणा कर दी है राजस्थान असेंबली में मुख्यमंत्री जी ने, बना पाएंगे क्या, वो विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सिर्फ तहसील नहीं यहाँ पर, खाली 1-2 तहसील, कितनी तहसील आपके यहाँ, 3 तहसील खाली, 1 विधानसभा क्षेत्र है, 3 ही दोनों बनवा ली होगी मेरे से, खाली थी शुरू से ही तहसील, शुरू से थी क्या तहसील, शुरू से थी तहसील आपके यहाँ, उप तहसील थी, बाद में तहसील मुझसे बनवाई लोगों ने। कहने का मतलब ये है विश्वास नहीं था, तब भी मैंने हिम्मत करके, जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, ये प्रयोग है मेरा, मैंने कहा मेरे अधिकारियों को भी कि आप चाहे कैसी रिपोर्ट मुझे दो, उनको मैंने कन्विंस किया, ग्राम दुबारी कमेटी को भी, अधिकारियों को भी, कि इसलिए जिला बनाए देवरी दूधू, एक तो नेशनल हाईवे पर आया हुआ है, नंबर 2 पहले से मैंने, बाबूलाल आपका बड़ा लोकप्रिय विधायक ही है, पर बहुत मेहनती बहुत है ये, आपकी तमाम जातियों को साथ रखना बहुत बड़ी बात है ये, सब जातियों के साथ लेकर चलना, सब धर्म के लोगों के साथ लेकर चलना, राजनीति करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी MLA के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए। बहुवन नागर ने उस चुनौती को स्वीकार किया दिल से। अब आप बताइए, आप लोगों को तीर्थ यात्रा करवाना, मुख्यमंत्री तभी ठीक रहनी चाहिए। अरे मेरी तभी तो पूरी तरह ठीक है, थोड़ा फ्रैक्चर हो गया दोनों अंगूठों के अंदर, थोड़ी तकलीफ हो गई, पर मैं सोचता हूँ कि कुदरत जो है
अरे शांत रहो भाई, शांत रहो भाई। कुदरत जो है करता ठीक ही करता है। अभी मैं अरे भाई, कुदरत जो है, ईश्वर जो है, सब पहले ठीक करता है। 5 महीने पहले मेरे को फ्रैक्चर कर दिया उसने। अगर चुनाव कैंपेन में करता उस वक्त मेरे अंगूठों में फ्रैक्चर रहता है। अंगूठों भी आगे आगे चलता है, अंगूठों में चल नहीं सकता। अगर चुनाव कैंपेन में हो जाता मेरे फ्रैक्चर तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होती। कैंपेन कैसे मैं करता? तो मैं समझता हूँ कि सोच समझ के पहली फ्रैक्चर हो गया, अब 2 महीने हो गए हैं, 1 महीना और लगेगा। मैंने कल ही सी टी स्कैन करवाई है, जुड़ रहा है, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, ठीक हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, इन्होंने क्या किया, सारे ऑफिसर्स जिला मुख्यालय में होते हैं, एडीएम का, एडीएम एसपी का, तमाम तरह का एक्शन, सारे विभागों के, इसने बिना जिला जिला बना रखा था इसको, दूध को बिना जिला जिला बना रखा था दूध को ना जाना। अब मैंने प्रयोग किया है, राजीव जी ने कहा, अब एक प्रयोग हो गया है राजस्थान के अंदर। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, बचपन के अनुभव से भी, मैं जब एनएसयू में था तब मैंने बहुत दौरे किए राजस्थान के। उस वक्त आपके आज जो जिले कहलाते मुख्यालय हैं, उस वक्त कस्बे की तरह थे वो, चाहे वो झालावाड़ हो, 12 तो कोटा के अंदर था पहले, करौली हो, धौलपुर हो, ये सब भरतपुर में थे। अधिकांश क्षेत्र आप पर मिले हुए थे, कोई माधोपुर से अलग हुआ, कोई भरतपुर से हुआ। आप सोचिएगा उस वक्त कस्बे कस्बे की तरह आंधी चलती थी यहाँ पर, जिला मुख्यालय कलेक्टर वहाँ नहीं बैठते थे। वो वक्त मैंने देखा है। मैंने कहा कि छोटे जिले बनाएंगे उनका लाभ बहुत मिलता है। आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि अब आपके नज़दीक जिला कलेक्टर हो गया जो आपके काम पर, आपके तो क्या, आप लकी हो कि आपके यहाँ अधिकांश डी लोग यहाँ पहले लग चुके थे, राजस्थान पर नहीं लगे हुए हैं, सब जगह पर एडिशनल एस पी, एडीएम, सारे एडिशनल एस पी के साथ में डीवाईएसपी हो, चाहे एक्शन हो, सब विभागों के बहुत कम जगह होते हैं। उनको तकलीफ होती, बार बार जाना पड़ता है जिला मुख्यालय, दूर जाना पड़ता है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक। अब कोतपुली देखिए, आप कोतपुली 100 किलोमीटर ज़्यादा जाना आना पड़ता है, जयपुर के अंदर आना पड़ता। अब वो जिला बन गया, आने की जरूरत नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम जो काम किए गए उसके कारण से आज जिला बन गया आपके। अब मैं चाहूँगा ये प्रयोग सफल होगा हमारा, तो राजस्थान भर के अंदर 50 जिले हैं। हो सकता है कि अगर हमें आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और चौथी बार सरकार अगली बार सरकार बनाई कांग्रेस की, तो आप निश्चिंत रहो ये हमारा प्रयोग सफल रहा और राजस्थान में और जिले बन सकते हैं। राजस्थान भर के अंदर हम देखेंगे जहाँ संभावना है, छिपी संभावना है, दूरी बहुत ज़्यादा है जिला मुख्यालय से, तो हम चाहेंगे छोटे जिले बने, प्रशासनिक काम ज़्यादा जल्दी हो, तत्परता से हो, कुशलता से हो और लोगों को लाभ मिले। क्यों दूर दूर जाके वो फरियादी बार बार जाए, फरियाद लेकर के कलेक्टर के पास में बार बार जाए, एसपी से मिलने जाए, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, थाने के अंदर नहीं हो रही है, डीवाईएसपी सुनवाई नहीं कर रहा है, क्यों जाए? तो मैं कहना चाहूँगा सोच समझ के बनाया गया। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं मेरी है। दूधवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप जो दुआएं कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आप निश्चिंत रहें। अब मैं अपनी बात कह के लास्ट बात समाप्त करता हूँ। अब मैंने एक बात कही है, जब राजस्थान चर्चा में आ गया देश भर के अंदर, सरकार भारत सरकार कुछ चिंतित हो गई हमारी योजनाओं को लेके, ना ओपीएस के अंदर फैसला कर पा रही है वो, ना 25 लाख का बीमा कर पा रही है भारत सरकार, हमारी तरह 10 लाख तक अब दे रहे हैं मुश्किल से, मुझे आंकड़े याद नहीं है। पर वो जो ऐसी स्थिति के जो लोग हैं सोशो इकोनॉमिक सर्वे वाले, खाली उन तक के 5 लाख बीमा है, बताइए आप।
हमने कर दिया तमाम जिनके पास में आधार कार्ड है निराधार कार्ड है सबको मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा आपको भारत सरकार कल आपको मालूम है LPG का कनेक्शन मैंने 500 में देना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ गैस सिलेंडर 500 में मिल रहा है आपको 500 में मिल रहा। और भारत सरकार ने कल 200 रुपये कम किए हैं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ अगर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है 500 रुपये में। उज्ज्वला योजना शुरू आपने करी थी, गरीब आदमी शुरू की 400 रुपये सिलेंडर था, आप बड़ा दबा 1150 रुपये ले गए, वो खरीद नहीं पाता है गरीब आदमी। अगर हम कर सकते हैं 500 में दे रहे हैं सिलेंडर तो भारत सरकार क्यों नहीं दे सकती। मैं मांग करूँगा भारत सरकार को भी आगे आकर के पूरे देश भर के अंदर 500 रुपये में सब गरीबों को गैस सिलेंडर देना चाहिए, ये मेरी मांग है। 200 रुपये क्या होता है, 200 रुपये कम कर दिए, पर मुख्य बात यह है 200 रुपये कम क्यों किए इसको समझने का आवश्यकता है। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जब 500 रुपये कर दिया है तो चुनाव के मैदान में कैसे उतरेंगे उनके लोग, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे। इसलिए चुनाव देखते हुए उन्होंने हमारे 500 रुपये फैसले को देखते हुए मजबूरी के अंदर उन्होंने 200 रुपये कम किए। मैं कहना चाहता हूँ मजबूरी की। अब मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार से कृपा करके आप योजना जो हम लेके आए 25 लाख का बीमा हो, शहरी रोजगार योजना हो, जो शर्म नहीं चलती रोजगार योजना गाँव में चलते नरेगा चलती है, शर्म आराम हो गए लोगों को, आखिर 3-4 लाख लोग काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार को हमारी अच्छी योजना है, अधिकांश राज्य सरकारें उन योजनाओं को अपना रही है, अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है आगे के लिए। इसका मतलब है राजस्थान चर्चा में है देश के अंदर, राजस्थान योजना चर्चा के अंदर है। तो मैंने कहा है हम अपना मिशन काम करें 2030 का राजस्थान में। मैंने कहा आपको सब क्षेत्र में आगे बढ़े हम लोग, तो क्यों नहीं हम आने वाले वक्त के अंदर मिशन 2030। अब आप सबसे मैं अपील करूँगा जो किसान है, चाहे वो NGO चलाते हैं, मजदूर है, लेक्चर है, प्रोफेसर हैं, जो भी है, आम आदमी क्यों नहीं हो, जिनके जो सपना देखा हो बोले मेरे क्षेत्र में मेरे गांव में या मेरे विषय के अंदर ये राजस्थान सरकार को वहाँ तक पहुँचना चाहिए, राजस्थान के अंदर वो सपना देखा हो, उसको आप सपना देखा है या सोचा है, विचार आपका है, जुड़े आप, हम 1 करोड़ लोगों तक पहुँच रहे हैं, हम लोगों को ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप क्या चाहते हैं राजस्थान 2030 के अंदर कैसा होना चाहिए, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, महिलाओं में तकलीफ नहीं हो, महंगाई की मार नहीं हो। महंगाई आए तो हमने जो फैसले किए हैं महंगाई को मार कम करने के लिए, मेरे फैसले करें आप, महिलाओं को 1,35,00,000 टेलीफोन दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। अभी मेरा महिलाओं से कोई 70-80 साल की महिलाएं थी, मुझे आश्चर्य होता है, वो हमारी माताएं थी, मेरी बहनें थी, वो क्या जवाब दे रही थी मुझे, किस प्रकार से वो बता रही थी मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे क्या क्या हैं, सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है, महंगाई की मार से बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या फैसले किए हैं, वो तमाम महिलाएं मुझे बता रही थी। आप सोच सकते हो अगर ये हमारी जागरूकता है महिलाओं के अंदर भी, तो महिलाओं में सशक्तिकरण हो, इतने 1,35,00,000 महिलाओं को, 40 लाख मेरी बहनों को रक्षाबंधन के उपहार के रूप में मैंने घोषणा की थी असेंबली के अंदर, वो कैंप लगने लग गए हैं, आप देख रहे हैं अभी कैंप लगा हुआ है, आने वाले वक्त में 40 लाख जब पूरे हो जाएंगे, दूसरा फेज चलेगा तब तक टेलीफोन कंपनी भी आगे आ जाएगी देने के लिए भी, जुड़ने के लिए भी। अभी कई कंपनी जो आ नहीं पा रही है, हम चाहेंगे सब कंपनियाँ आए। अगला फेज चलेगा करीब 90 लाख, लगभग 1 करोड़ समझ लीजिए आप, बढ़ भी जाएगी कोई महिलाओं की संख्या, 1 करोड़ लगभग महिलाओं को मोबाइल फ़ोन मिलेंगे 40 लाख के बाद में, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमने फैसला किया है, यही बात करता हूँ। देखिए आपके यहाँ कबड्डी मैच भी होगा, आपके यहाँ क्या कहलाता है रस्सा कच्ची
रस्साकसी का खेल अभी मैं देख के आया वहाँ पे जयपुर जिले के अंदर। मैं हमारी बेटियों को मुबारकबाद दूंगा जो स्वामी विवेकानंद विद्यालय की बच्ची हैं, शानदार इन्होंने बैंड वादन किया, उसके लिए मुबारकबाद की पात्र हैं। मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से और अंत में कहना चाहूँगा कबड्डी मैच भी खेल रही है हमारी बेटियाँ, पूरा माहौल बदल गया राजस्थान का। इस माहौल का नाम चाहेंगे 2030 जो है वो हमारे लिए वरदान साबित होगा। हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, विजन डॉक्यूमेंट बनाएगा, राजस्थान सरकार बनाएगी, राजस्थान गवर्नमेंट बनाएगी, विजन डॉक्यूमेंट बनाएगी अगले 2030 के अंदर राजस्थान कैसा हो, राजस्थान वाली भावना क्या हो। प्रवासी राजस्थान नहीं हो सकता, अमेरिका इंग्लैंड रहते हैं राजस्थानी वो भी हो सकते हैं, देश के किसी भाग में रहते हो प्रवासी राजस्थानी वो भी हो सकते हैं, और राजस्थान के अलावा कोई भी हो सकता है देशवासी, दुनिया का कोई व्यक्ति हो सकता है। सुझाव देने में क्या लगता है? तो ये मैं समझता हूँ कि इस सोच के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यही बात करता हुआ मैं पहली मीटिंग जो है नए जिले बनने के बाद में, पहली बार मैं किसी नए जिले में आया हूँ, उसका नाम है दूदू। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।